यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद अब पूरे देश में आक्रोश नजर आ रहा है, जहां इसी घटना के विरोध में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया। देखिए ये रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी पहुंची कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया हुआ है, जिसका विरोध अब इंदौर में भी शुरू हो गया है, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस सेवा दल के शहर अध्यक्ष चंद्रशेखर पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी में हुई घटना के विरोध स्वरूप सभी शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसा हम लोग जो यूपी में जो घटना हुई है, एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने करीब करीब 4 से 8 किसानों के ऊपर गाड़ी चला के और उनको रौंद दिया है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, उसका विरोध करते हुए हमें ऊपर से निर्देश हुए थे लालजी भाई देसाई के, सेवा दल के अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके प्रदेश अध्यक्ष माननीय हरवंश सिंह जी का आदेश हुआ था कि सब दूर यह कार्यक्रम चलाया जाए, इनका विरोध किया जाए, जो दमनकारी इनकी नीतियाँ हैं उसको स्पष्ट करा जाए, जनता के बीच में लाया जाए। तो आज हम लोग यहाँ पर उनका इंदौर जिला कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से पुतला दहन हमने रखा है योगी आदित्यनाथ का, और आगे जो निर्देश होगा पार्टी का उस निर्देश के अनुसार हम काम करेंगे। और हम घोर निंदा करते हैं किसानों के साथ में ये जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करी है, उसका हम बहुत विरोध करते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।